सोमवार को राष्ट्रीय पेंशनर दिवस के मौके पर शिमला में पेंशनर द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने शिरकत की। इस मौके पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने पेंशनर के लंबित पड़ी देनदारियों से नरेश चौहान को अवगत करवाया। वहीं प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पेंशन भोगियों को आश्वासन दिया कि वह सरकार और मुख्यमंत्री के सामने पेंशनर की मुख्य बातों को प्रमुखता के साथ रखेंगे। मीडिया से बात करते हुए नरेश चौहान ने कहा कि देश भर में सोमवार को पेंशन दिवस मनाया जा रहा है, ऐसे में शिमला में भी बैठकों का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि पहले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को आना था, लेकिन उनके विदेशी दौरे के चलते यह सिरे नहीं चढ़ सका। उन्होंने कहा कि पेंशनरों की मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रमुखता से रखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने पैनल को बधाई देते हुए कहा कि यूनियन ने सरकार के सामने पेंशन से जुड़ी सभी मांगों को रखा है। उन्होंने कहा कि अभी भी कुछ पेंशनर्स की मांगे हैं, जिन्हें सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पेंशन की दो कैटेगरी है, एक 2016 से पहले रिटायर हुए और दूसरे जो 2016 के बाद रिटायर हुए हैं। जो भी लोग 2016 के बाद रिटायर हुए हैं, सरकार के पास उनके बहुत से DU लंबित है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 2016 से पहले होने वाले कर्मचारियों की भी कुछ मांगे हैं, जो सरकार के समक्ष रखी गई है। देखिए, आज 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस होता है, पूरे देश के अंदर इसको मनाते हैं पेंशनर्स के जो लोग हैं। आज शिमला में ये शहर का जो यूनिट है इनका, इन्होंने यहाँ आज अपनी मीटिंग रखी है। पहले इनकी योजना थी कि ये बड़े लेवल पे इसको करना चाहते थे और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात भी हुई थी, लेकिन उनको अचानक जो है आज शिमला में नहीं होने की वजह से और विदेशी दौरा होने की वजह से इनका प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन आज इनके अध्यक्ष आत्माराम शर्मा जी, जो डबल अध्यक्ष हैं, शिमला शहर यूनिट के भी अध्यक्ष हैं और प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं, और इनकी पूरी टीम, मैं इन सबको आज पेंशनर डे पे बधाई देता हूँ कि आज पूरे देश के अंदर ये इसको सेलिब्रेट करते हैं। अब बाकी इनकी कुछ मांगे रहती है, हमेशा समस्याएं हैं हर वर्ग की। ये कैसा वर्ग है जिन्होंने पूरे जीवन सरकार के साथ रह के अपना पूरा जीवन सरकारी नौकरी में लगाया और आज पेंशनर लेने वाले लोग हैं, सब सीनियर सिटीजन हैं, हमारे से उम्र में सब लोग बड़े हैं। इनकी जो समस्या होगी हम इनको सुनेंगे और उसके बाद हमारा प्रयास रहेगा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक इनकी बातों को पहुँचाने का प्रयास करूँगा, और उसमें निश्चित तौर पर हमारी सरकार ने कर्मचारियों के साथ एक अच्छा रिश्ता रखा है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करके हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ी मिसाल देश के अंदर पैदा की है कि आप समझें कि ये हमारा एक ऐसा प्रॉमिस था जिसको हमने पहली कैबिनेट में पूरा किया और 1,36,000 सरकारी कर्मचारी उससे लाभान्वित हुए और आज लोगों को मिलने भी शुरू हो गई ओल्ड पेंशन स्कीम। लेकिन ये लोग ऑलरेडी कुछ ऐसे लोग हैं जो 2003 से पहले रिटायर हुए हैं, जिनको पहले से पेंशन मिल रही थी, उनमें ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। इनकी कुछ समस्याएं हैं, DA को लेके हैं, 6th pay कमीशन को लेके हैं जो आया था, उसके बाद एरियर्स हैं, जो पिछली सरकार ने सारी इनकी जो मांगे थी कोई पूरी नहीं की, तो वो सारी खड़ी है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति कैसी है इसको लेके सरकार की और मुख्यमंत्री जी का पूरा प्रयास है कि DA पहले भी दिया, अभी भी प्रयास कर रहे हैं कि जैसे ही थोड़ा सा सुधार होता है तो सरकारी कर्मचारी हो या पेंशनर्स हो, इनके जो ड्यूज़ हैं, एरियर्स हैं, DA हैं, इन सभी चीज़ों को लेके हम मुख्यमंत्री जी के सामने और सरकार के सामने इनकी बात को मजबूती से रखेंगे। हिमाचल प्रदेश के 2,00,000 पेंशनरों को आज पेंशनर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो हमारे 2,00,000 पेंशनर है वो आगे अधिक लंबी आयु ले और वो सुखी रहे, समृद्धि रहे, समृद्ध रहे, और आने वाला वर्ष जो है प्रदेश के पेंशनर के लिए मंगलमय हो। जहाँ तक डिमांड की बात है, हम वक्त वक्त पे हर जगह जो है अपनी डिमांड सरकार के सामने रखते आए हैं। जैसा कि आप लोग भी भली भांति जानते हैं, सबसे बड़ी मांग जो है हमारी है वो 6th pay कमीशन जो है 2016 से लेकर जो हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स को और कर्मचारियों को जो मिलना था, पर अभी तक भी जो 6th pay कमीशन का जो हमारा एरियर है, जो दूसरे ड्यूज़ है, वो सिर्फ पिछली गवर्नमेंट ने सिर्फ 20% दिया था और उसमें भी एक राइडर लगाया था कि आपको 50,000 से अधिक ये नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा हमारी जो सबसे बड़ी यही डिमांड है कि कुछ एक पेंशनर की दो कैटेगरी है, कुछ पेंशनर वो है जो 2016 से पहले के हैं और कुछ पेंशनर है वो 2016 के बाद रिटायर हुए हैं और आगे जनवरी 22 तक के हैं। खास करके उनका जो 2016 के बाद के जो पेंशनर है उनका रिवाइज ग्रेजुटी हुई है, ली
करीब एनकैशमेंट का डिफरेंस मिलना है और बाकी है, वो पेंशनर कोई 45-46 हज़ार के करीब है, उनका जो है सरकार के पास काफ़ी पैसा लंबित पड़ा है। मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, खास करके जो पेंशनर 16 से और 22 के बीच के हैं, उनको तो एटलीस्ट लंप सम में 1 लाख ही उनका पूरा एरियर दिया जाए। इसके अलावा हमारा जो मेन मुद्दा है पेंशनरों का, एक JCC का गठन करने का होता है। पिछली जो हमारी JCC की मीटिंग हुई थी 31 अगस्त 22 को हुई थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम जी उसमें आए थे और चीफ सेक्रेटरी के महोदय के साथ मीटिंग हुई थी, उसमें ही हमारे जो पेंशनर के जितने भी मुद्दे होते हैं उनका वो निवारण होता है, निराकरण होता है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये अपील करूंगा कि JCC का गठन जल्दी किया जाए, जिसमें पेंशनर की जो मांगे हैं उनको पूरी की जाए। इसके बाद हमारा जो मेडिकल रिइंबर्समेंट का जो है, बहुत सारा पैसा करोड़ों में जो है हमारे सीनियर सिटीजन का, वो सरकार के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, मेडिकल के जो रिइंबर्समेंट के बिल है, तो मैं ये भी आपके माध्यम से उनको मैं कहूंगा, खास करके सेक्रेटरी फाइनेंस और चीफ सेक्रेटरी को, कि मेडिकल रिइंबर्समेंट के लिए 1 लाख जो है हमारे को बिल जो है वो क्लियर किए जाए, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में जो हमारे पेंशनर है कोई ना कोई बीमारी उनको लगती है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो मुद्दा है, मैं ये चाहूँगा कि आने वाला जो बजट आने वाला है, हम ये भी जानते हैं भलीभांति कि जो अभी का ये जो वर्ष था सरकार के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा, बड़ी भारी आपदा आई, और आपदा की इस घड़ी में मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि पेंशनर ने 1 दिन का जो अपना पेंशन है वो माननीय मुख्यमंत्री के जो राहत कोष में दी है वो तकरीबन 11 करोड़ 30 लाख बनती है, वो 1 दिन की जो हमारी पेंशन थी। पेंशनर ने डट के जो जब जब भी कोई आपदा सरकार के ऊपर आई है या स्टेट के ऊपर कोई भी आपदा या दूसरी स्टेट में है, तो अपना खुल के दान देते हैं। अब पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन पूरे प्रदेश के जो है, आज हमने माननीय मुख्यमंत्री को बुलाया था, उनको आज हमारे समारोह में आना था, पर उनका विदेश का दौरा था और उसके बाद वो कई बार दिल्ली में है तो इस वजह से नहीं आए। इस वजह से हमने हमारा जो एसोसिएशन हर जिले में और हर ब्लॉक लेवल में, तो हमने ये डायरेक्शन दिए कि आप जिला लेवल पर मनाएं, ब्लॉक लेवल पर मनाएं, यहाँ भी आज जो हम ये सिटी यूनिट का पेंशनर दिवस मना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अब अगला फाइनेंशियल ईयर आने वाला है, फरवरी में बजट जो है आप पेश करेंगे, पेंशनर के जितने ड्यूज है, आने वाला जो बजट है फरवरी में आने वाला है, उसके लिए बजट में प्रावधान किया जाए।